पिज्जा बर्गर वाले सावधान रहें, क्योंकि वेज बर्गर अगर आपने मंगाया तो हो सकता है कि नॉन वेज बर्गर आपको परोस दिया जाए और उपभोक्ता मामले में यह घटनाक्रम जा सकता है। चूंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें वेज बर्गर ऑर्डर करने पर नॉनवेज वाला बर्गर भेज दिया गया कस्टमर को। ऑनलाइन कंपनी में इसकी शिकायत के लिए फोन किया तो उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उपभोक्ता फोरम में अब इसकी शिकायत दी गई है। फरियादी ग्वालियर के थाटीपुर का रहने वाला है। कितनी बजे किया था उसने आपने? मैंने रात का 9 बजे मैंने वो कर नहीं पाया था। हाँ, लेकिन और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप पिज्जा बर्गर खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पिज्जा में कहीं प्लास्टिक का टुकड़ा या कुछ और तो नहीं निकल रहा है। क्योंकि भोपाल के कोलार इलाके में एक बड़ी पिज्जा नामी पिज्जा कंपनी के पिज्जा में प्लास्टिक के टुकड़े निकल रहे हैं। कोलार के रहने वाले एक शख्स ने सोचा कि चलो आज पिज्जा खाकर ही पेट भर लिया जाए, तो जब उन्हें पिज्जा सेंटर से पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा आया तो उसमें प्लास्टिक के टुकड़े निकल रहे हैं। इस मामले की जब खाद्य विभाग से शिकायत की गई, FSSAI से शिकायत की गई, तो स्टोर मैनेजर के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने पहले तो सफाई देकर गोलमोल बात करने की कोशिश की, उसे बता दिया कि ये प्याज का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये महसूस किया कि अब आँख में धूल नहीं झोंकने से काम चलेगा। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई ये प्लास्टिक का टुकड़ा इसके अंदर है, और ये प्लास्टिक का टुकड़ा अगर खाने वाले के पेट में चला जाता तो इसके क्या परिणाम हो सकते थे, मेडिकल एक्सपर्ट्स इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हालांकि इसके बाद इस पूरे मामले में स्टोर संचालक ने कहा कि हम आपको सर फ्री पिज्ज़ा देंगे एक और ये पिज्ज़ा आप लौटा दीजिए, और आगे से ऐसी कोई गलती न हो इसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी। चलेंगे ग्वालियर, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल भी चलेंगे, वासु चौरे हमारे साथ एक साथ दोनों सहयोगी मौजूद हैं। ग्वालियर में सुशील, वेज खाने वालों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, वेज बर्गर मंगाने पर नॉन वेज बर्गर परोस दे रहे हैं। लगी है ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा ने 2 फरवरी को बर्गर बड़ी से एक बर्गर जो नॉन वेज बर्गर था वो ऑर्डर किया था, एक केक भी ऑर्डर किया था, और इस दौरान जब जोमेटो से उनकी डिलीवरी वहाँ पहुँची तो जब उन्होंने खोल कर देखा और खाना शुरू किया तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये दरअसल वेज नहीं नॉन वेज है, और यही वजह है कि उन्होंने तत्काल जो है उसकी शिकायत डिलीवरी बॉय से, उन्होंने वेज बर्गर ऑर्डर किया था नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने सुशील वेज बर्गर ऑर्डर किया था तो नॉन वेज बर्गर परोस दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए वेज बर्गर ऑर्डर किया था उन्होंने और नॉन वेज बर्गर उनके घर डिलीवर हो गया, और जब उन्होंने और उनके दोस्त ने खाया तो फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके पास नॉन वेज बर्गर पहुंचा है। इसकी शिकायत उन्होंने डिलीवरी बॉय से की, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, जोमेटो से की, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर बर्गर बड़ी जहाँ से ये जो बर्गर था वो भेजा गया था वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार उन्होंने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता फोरम में इस बात की शिकायत की है, और अब उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि कहीं ना कहीं वो सनातनी है और इस तरह की उनके साथ घटना हुई है, दूसरे लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सबक सिखाने के लिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों को पार्टी बनाया है और उपभोक्ता फोरम में शिकायत की है। निश्चित तौर पर ऑनलाइन शिकायत के बाद अब जल्द ही इस मामले में उपभोक्ता फोरम की तरफ से भी संज्ञान लिया जाएगा। माना जाता है कि 48 घंटे के अंदर जो है कंज्यूमर फोरम इसमें, और उपभोक्ता फोरम सुशील कंज्यूमर्स का इतना ध्यान रखती है कि अच्छा खासा मोटा मुआवजा कंपनी को भरना पड़ सकता है। बहरहाल ये एक भावना से भी जुड़ा हुआ वासु मामला है कि अगर आप सिर्फ वेज खाने वाले हैं और आपको नॉन वेज परोस दिया जाता है तो वो आपकी भावना से भी जुड़ा हुआ है। कई लोग इसे धर्म भ्रष्ट तक होना मानते हैं। किसी नॉनवेज खाने वाले ने वेज ऑर्डर किया होता, उसे नॉनवेज मिल गया होता तो वो खुश हो सकता था, लेकिन वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। लेकिन भोपाल में तो नॉनवेज और वेज से अलग प्लास्टिक ही पिज्जा में भरकर भेज दे रहे हैं।
निश्चित तौर पर देखिए, ग्वालियर से लेकर भोपाल तक जो फूड डिलीवरी करने वाले जो कंपनीज हैं, जो आउटलेट्स हैं, उनकी जो घनघोर लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है। और पिज़्ज़ा और बर्गर एक ऐसे फास्ट फूड हो गए हैं जो बहुत तेज़ी से, जिनको लेकर जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है, और घरों घर अब इन फास्ट फूड्स को ऑर्डर किया जाता है और लोग बड़े पैमाने पर इसका कंज्यूम जो है वो इसको कर रहे हैं। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी सामने आते हैं, हेल्थ को लेकर तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाहियाँ सामने आई हैं, चाहे ग्वालियर में नॉनवेज बर्गर परोसने की बात हो या फिर भोपाल में जब एक पिज़्ज़ा आउटलेट से पिज़्ज़ा ऑनलाइन बुलवाया गया तो उसमें प्लास्टिक का जो पदार्थ है वो निकलता है, और आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्लास्टिक पेट में चले जाता है या किसी तरीके से अगर बिल्कुल, लेकिन ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस पूरे मामले में इस तरह के लोगों पर एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी।